हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे है भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, लास्ट टर्न पे बेटा हमने पढ़ा था मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, और इस बार मैं आपके सामने लाया हूँ बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेटा ये शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि जब मैं ये टॉपिक्स लाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इनमें वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका अब आपको इस समय चलते चलाते प्रिपरेशन करके जाना है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, होपफुली कॉपी पेन पास में ही होगा तो जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री की। ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है रिएक्शन का, वो आपका तैयार हो सकता है अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ा हो, नंबर वन। तो सॉल्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब पे मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कहते हुए, कमेंट्स देखता हूँ मैं अक्सर देखता हूँ, अरे इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आता, अरे इसमें से वो क्वेश्चन नहीं आता। आप अननेसेसरी की बातों में ना आए, फालतू में ये सब कहने की बातें होती हैं, वो होता है ना बेटा कि खुद तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली हिसाब होता है। तो ऐसे जो कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया करो, सिर्फ ये फोकस करो कि जो सामने टॉपिक है मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। तो सॉल्ट एनालिसिस अगर आप स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब कवर हो जाएंगी, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, फिर भी अगर ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर मुझे कोई और रिएक्शन कवर करनी है तो वो कौन सी है? तो वो रिएक्शंस होती हैं बेटा, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था अभी भी बता रहा हूं, नेम रिएक्शंस होती हैं, नंबर वन नेम रिएक्शन। नंबर सेकंड, कोई जनरल मेथड प्रिपरेशन हो, ठीक है। अब वो जनरल मेथड प्रिपरेशन दो तरीके का हो सकता है बेटा, एक इंडस्ट्रियल मेथड हो सकता है, ठीक है, और एक क्या हो सकता है बेटा, लेबोरेटरी मेथड हो सकता है। तो नेम रिएक्शन हो गई, जनरल मेथड प्रिपरेशन में दो तरह की रिएक्शन हो गई, कौन सी? लेबोरेटरी मेथड हो गया और एक इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। एक रिएक्शन और होती है बेटा, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने वाली। जैसे मैं आपको बोलूं लाइम वाटर टेस्ट है, तो लाइम वाटर टेस्ट कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। CO2, SO2, ठीक है ना। कार्बोनेट क्या देता है? CO2 ही देता है ना। सल्फाइड क्या देता है? SO2 ही देता है। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने में जो यूज होता है वो लाइम वाटर टेस्ट होता है। तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तीन तरह की रिएक्शंस पढ़ के जाइए। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक को ले लीजिए, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ के जाइए, कास्टर कैंडल सेल मेथड जो होता है वो पढ़ के जाइए, ठीक है ना। इस तरह की जो स्पेसिफिक होते हैं नेम रिएक्शंस, वो आपको पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा आप ब्लॉक केमिस्ट्री में जैसे एस ब्लॉक की मैं पहले बात करूं, ट्रेंड्स को एक बार देख लें, स्पेशली उन ट्रेंड्स को देखें जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए वो एक्सेप्शनल केसेस लॉजिकल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूं, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक लॉजिकल और एक डेटाबेस। तो डेटाबेस को आप छोड़ सकते हैं, लॉजिकल को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात मान करके चलिए कि जहां है एक्सेप्शन वहां है क्वेश्चन, ओके। तो इस चीज पे एक तो फोकस करिए। इसके बाद जैसे पी ब्लॉक की अगर मैं बात कर लूं, तो पी ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शंस आने के चांसेस रहते हैं। पी ब्लॉक में मैंने देखा है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को आपस में क्लब कर दिया जाता है और एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, तो इसी को हम एडवांस बोलते हैं, ओके। तो ये पी ब्लॉक में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन का जो एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, वो किन क्वेश्चन मतलब वो किन पे किया जाता है, नेम रिएक्शंस के जो है उनको ले लिया जाता है, या फिर लेबोरेटरी मेथड्स हैं उनको ले लिया जाता है, या इंडस्ट्रियल मेथड है उनको ले लिया जाता है। ऐसी रिएक्शंस को आपस में क्लब करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना बेटा। मैग्नीज और क्रोमियम की आपको रिएक्शंस पढ़ के जानी है, एसिडिफाई KMnO4, एसिडिफाई डाइक्रोमेट, ये सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है ना। जनरल मेथड प्रिपरेशन इनके पता होने चाहिए, डाइक्रोमेट कैसे बना या के टू एमिनो फोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पीएच का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें आपको डी ब्लॉक में पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा पी ब्लॉक में अगर एक बात बोलूं जो मिस हो गई मुझसे वो मैं बता दूं, जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसकी रिएक्शंस जो पढ़ के जाएं, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस जो पढ़ के जाएं, हेलोजन की जो जनरल मेथड प्रिपरेशंस हैं उनकी NaOH के साथ रिएक्शंस हैं, नॉन मेटल्स की बेस के साथ जो रिएक्शंस हैं इनको जो पढ़ के जाएं। इसके बाद बात आती है एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक क्या है, ऑक्सीडेशन बेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑक्सीडेशन इनके ऊपर फोकस करिए। मैंने एक क्या कहते हैं, जब पीरियोडिक टेबल का मंजिल बैच में लेक्चर दिया था तो उस समय मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई भी थी और क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन कंपाउंड। इसको बहुत ही हल्के में लिया जाता है माय डियर, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही धांसू चैप्टर है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी आ सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, जी हाँ इनमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की चार रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग की एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, उसी तरह से रिड्यूसिंग की एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये चार रिएक्शंस हाइड्रोजन परऑक्साइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया और आपका क्या कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर हो गई, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो पढ़ के जाएं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत ही सिंपल है, ज्यादातर हम उनको पढ़ चुके होते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए किसी बच्चे ने बाय द वे मान लीजिए सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो फिर उसको ब्लॉक केमिस्ट्री अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके जाने की जरूरत है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया है कि रिएक्शंस पे जरूर फोकस करें, हल्के में ना लें, किसी के कहने में ना आए, ये बात ध्यान रखें। और चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं बेटा कि परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हौसला बनाए रखेंगे तो जीत आपकी होना निश्चित है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और आपकी प्रेजेंट सिनेरियो में जो अक्सर मैं देख रहा हूं आजकल, मेरे को बच्चे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे अक्सर मुझसे बोलते रहते हैं कि सर एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है, एक अजीब सी टेंशन है और डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस इसीलिए मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, क्या कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए, अच्छी नींद लीजिए, गहरी नींद लेने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 5 आवर्स कम से कम आपको सोना बनता है, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हल्का फुल्का लाइट म्यूजिक सुनते रहिए, ठीक है। पूरे दिन में कुछ ऐसा समय भी निकालिए जो आपको सबसे ज्यादा जो चीज पसंद हो, क्या कहते हैं, जैसे सपोज म्यूजिक सुनना पसंद है या बुक्स कुछ भी मतलब देखना पसंद है, तो थोड़ा सा आपने क्या किया लाइट म्यूजिक सुन लिया, तो ये सारे काम करते रहिए। क्योंकि बस मेरा ये मानना है कि भाई दिल में एक जुनून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपके लिए मतलब एक लाइन याद आ रही है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो भाई मेरे परेशान मत हो, ठीक है, बस अपने अंदर एक जुनून जगाए रखो, बहुत कम समय बचा है, सक्सेस तुम्हें मिलने ही वाली है, कुछ समय के बाद IIT कॉलेज में आओगे, सपने देखना शुरू करो, जगती आंखों से, खुली आंखों से, तभी तो वो साकार होंगे, ठीक है। चलिए बेटा हमारा जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। Fe+3 is reduced to Fe+2 by using, देखो भाई ध्यान से सुना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों ही एजेंट्स की तरह बिहेव
करता है। और सबसे मजे की बात ये एसिडिक मीडियम में भी करता है और बेसिक मीडियम में भी सेम रिएक्शंस ये देने में कैपेबल है। कहने का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी नेचर पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल है। उसी तरह से उसका रिड्यूसिंग एजेंट होना एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है और बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे नो डाउट नेट, मुझे बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा मेरा एक ऑप्शन फिक्स है और वो कौन है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि बेसिक मीडियम में ये Fe प्लस 3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, Fe प्लस 2 में। रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह की होगी, Fe प्लस 3 है और ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये आपका NaOH हो गया, आपस में रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाएंगे बेटा, Fe प्लस 2 बनाएंगे, साथ में H2O निकलेगा, Na प्लस आयन बन गए और साथ में निकलेगी क्या बेटा, ऑक्सीजन। तो फाइनली आंसर आपका क्या होगा बेटा इसमें, ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। देखो भाई, लिक्विड अमोनिया में जब हम फर्स्ट से सेकंड ए ग्रुप के कुछ मेटल्स को मिलाते हैं तो सेकंड ए ग्रुप के मेटल, कुछ मेटल छोड़ दो जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम उनको छोड़ दो, तो बाकी फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के जो भी मेटल्स हम मिलाते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जाते ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बात चल रही है किसकी बेटा, सोडियम की, तो Na अमोनिया में जाते ही, लिक्विड अमोनिया में जाते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में। अब ये Na प्लस जो है ये अमोनिनेटेड मेटल बनाएगा, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन, याद आ गया, याद करो, बता चुके हैं, तो ये तो अमोनिनेटेड मेटल हो जाएगा और ये अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इनकी वजह से होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो ब्लू कलर आता है नंबर वन, नंबर सेकंड कंडक्टिविटी अपीयर होती है, एक तो ब्लू कलर आता है और एक क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी अपीयर होती है। तो इसके आंसर में थोड़ा सा लोचा था भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कई जगह इसका आंसर सिर्फ वन दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और बी दोनों होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बेटा, क्योंकि एक तो ब्लू कलर अपीयर होता है ये तो सभी को पता है, दूसरा कंडक्टिविटी भी आ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको इतनी सी बात तो पता है ही। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, डीकंपोजेस अबव 800 डिग्री सेल्सियस एंड गिव। अब बताइए भाई, सोडियम नाइट्रेट को यानी कि NaNO3 को अगर मैं 800 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दूं तो क्या होगा, तो भाई ऐसा है कि ये आपका NaNO3 है, जब आप इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले ये देता है NaNO2 और हाफ ऑक्सीजन, NaNO2 और हाफ ऑक्सीजन, और ये टेम्परेचर होता है अप्रोक्स कितना, इतना। लेकिन अगर मैं इसी टेम्परेचर को और ज्यादा कर दूं तो फाइनली ये NaNO2 भी ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली ये बनाएगा Na2O प्लस N2 और क्या निकलेगी बेटा, O, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि एक तो N2 बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है और एक Na2O बन रहा है। तो आंसर क्या हो सकते हैं बेटा, एक तो N2 देगा, एक O2 देगा और एक Na2O देगा, यानी कि ये ऑप्शंस इसके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो क्या है, आइए देख लेते हैं, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। जी हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन IE1 या IP1 का हमें ऑर्डर देखना है। तो याद करो, जब भी हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है तो हम कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को वॉच करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से काफी हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सेम ही है, लेकिन हमें पता है कि नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, पीरियोडिसिटी हमने पढ़ी हुई है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यस आर नो। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहां जाने पे क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो पहला तो नहीं होगा, आगे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम
ये हो सकता है। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यहां पे डिक्रीज दिखा रहा है। और ये देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में क्या हो रहा है, नीचे जाने पे डिक्रीज होनी चाहिए तो डिक्रीज ही दिखा रहा है। और यहां पे भी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए बेटा, बॉम्बे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये देख लो यहां पे आंसर भी दिया हुआ है, क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, Na2CO3 है साहब, ठीक है, SO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसको, तो मैं कहता हूं वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, Na2CO3 है, SO2 से रिएक्ट कर रहा है, A बन रहा है, चलो ठीक है, फिर A जो है वो वापस से Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पे हम Na2CO3 कैसा ले रहे हैं, एक्सेस से ले रहे हैं, फिर B बन रहा है, फिर B को हम क्या कर रहे हैं, सल्फर से रिएक्ट करा रहे हैं, बॉइल करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, तब जाकर के C बन रहा है, और C की रिएक्शन हमने किससे करा दी भैया, आयोडीन से करा दी, तो फाइनली क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो अब यहाँ पे फाइनल ये आता है कि भाई एक तो हमें ABCD पता होना चाहिए कि होता क्या है, क्या क्या बन रहे हैं, दूसरा इसने पूछा है कि भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आई रिपीट, सल्फर की ऑल्सो मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ऑल द कंपाउंड, जो भी सल्फर के कंपाउंड बन रहे हैं उनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले Na2CO3 की रिएक्शन मैंने बेटा SO2 से कराई, तो जब SO2 से कराई एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, किसमें हो रही है बेटा, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो एक्वस मीडियम में H2 और SO2 आपस में मिलकर के किसमें बदल गए, H2SO3 में बदल गए, और इन्होंने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन की, फाइनली यहां पे सोडियम बाइसल्फाइड बनकर के तैयार हुआ और CO2 निकल गई। तो ए तो हमारा कौन हो गया बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, ए हमारा कौन हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड, बी सी और डी भी देख लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, एक्सेस में हम और लाए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को और लाए तो फाइनली यहां पे सोडियम सल्फाइड बन के तैयार हो गया, तो बी हमारा कौन हो गया, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया। आगे सोडियम सल्फाइड को हमने क्या किया बेटा, लंबे समय तक सल्फर के साथ बॉइल किया, क्या किया बेटा, बॉइल किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो लंबे समय तक हमने सल्फर के साथ बॉइल किया, तो ये बनके तैयार हो गया बेटा क्या, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, क्या बनके तैयार हो गया बेटा, सोडियम थायोसल्फेट बनके तैयार हो गया, तो ये हमारा कौन हो गया बेटा, सी हो गया, Na2S2O3 सोडियम थायो सल्फेट, एंड फाइनली सोडियम थायो सल्फेट की रिएक्शन जब हमने आयोडीन से कराई, अब आयोडीन क्या है, आई यहां पे क्या है बेटा, आई माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, आप ऐसे समझिए, जीरो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaI बन रहा है ना, यानी कि माइनस वन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जीरो से माइनस वन आना यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शो करता है वो कौन होता है बेटा, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वीक कैसा है बेटा, ये वीक रिडक्शन शो कर रहा है, कैसा रिडक्शन शो कर रहा है, वीक रिडक्शन शो कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये वीक रिडक्शन क्यों शो कर रहा है, तो देखिए फ्लोरीन से आयोडीन आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम हो रही है। अब आप इसमें ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट मत लगा देना सर, हमें तो ऑर्गेनिक में बताया था कि आई माइनस ज्यादा स्टेबल होता है और ये और वो नहीं, आप सीधी सी बात समझिए कि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, आयोडीन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। खैर तो यहाँ पे ये एक तरह से क्या है बेटा, आई बहुत ही वीक रिडक्शन शो कर रहा है, फाइनली इसकी प्रेजेंस में सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो जो है ये सल्फेट, ये क्या होगा बेटा, ये इससे रिएक्ट करके सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन मैंने विद मैकेनिज्म सॉल्ट एनालिसिस में बताई हुई है,
आप ये नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन रटनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि ये सारी रिएक्शन मैंने उसमें सॉल्ट एनालिसिस में बताई है। याद करिए मैंने बताया था, देखिए वीक रिडक्शन शो कर रहा है, यानी कि जो रिडक्शन शो कर रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो याद रखिए मैंने आपको दो रिएक्शन बताई थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो यहां पे आप देख लीजिए, माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, ये बात याद करो मैंने सॉल्ट एनालिसिस में बताई थी। तो अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर सकते हैं कि कहां पे +4 है, ठीक है, कहां पे ये सोडियम थायोसल्फेट में बता चुका हूं दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2 और +6 होती है, और ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप इसको बनाएंगे तो ये देखो ऐसे बनेगा, कई से आई से, लाइक दिस, ओके। तो ये देख लीजिए S4O6 बन करके तैयार हो गया। ये जो सल्फर है इनको नाम दे दिया हमने ए, और इस सल्फर को नाम दे दिया हमने बी। तो सल्फर ए की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और सल्फर बी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आप देख लो, दो इधर गए, दो इधर गए, एक इधर गया, यानी कि +5। तो कुल मिलाकर के सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि ये कितनी शो करेगा बेटा, +4 शो करेगा। इसमें थायोसल्फेट में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ये -2 शो करता है, यहां पे लिखे देता हूं, ओके, ये -2 शो करता है और ये वाला सल्फर +6 शो करता है। याद करिए इसके पीछे लॉजिक क्या था, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुल मिलाकर के इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, ये अच्छे से ध्यान से एक बार देख लेना। ये रिएक्शन वही टच कर सकता था जिसने सॉल्ट एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। और मजे की बात ये रिएक्शन किसमें है, पी ब्लॉक में दी हुई है, और पढ़ के कहाँ आ चुके हैं हम लोग, सॉल्ट एनालिसिस में। तो इसीलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था बेटा कि सॉल्ट एनालिसिस दैट इज द कॉम्बो ऑफ SPDF एंड हाइड्रोजनेट कंपाउंड। तो अगर सॉल्ट एनालिसिस आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ब्लॉक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो फाइनल क्या निकला कि ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें क्या करना है बेटा, सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, याद करिए, ठीक है ना। और एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीशीज ऑफ द टाइप, यही याद करो मैंने बताया था ना, अमोनिनेटेड मेटल बना लेता है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू होता है, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अमोनिनेटेड मेटल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं कहूंगा भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन बस ये है कि सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज बी, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड फॉर्म अपॉन कम्बशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज ओब्लिगार। भाई जब हम एयर को ला रहे हैं, एयर में क्या मानते हैं हम, एयर में हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है कि एयर के नाम पे इसने सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन को कंसीडर किया है, नाइट्रोजन को बीच में नहीं लाया है। अब बात आती है कि भाई क्या बन सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ मेटल जो होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बना सकता है, बाकी नहीं। आगे जैसे कुछ होते हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाने में भी कैपेबल होते हैं, जैसे सोडियम को ले लीजिए, ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है और परऑक्साइड भी बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बनाने में कैपेबल होते हैं, जैसे पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख करके और क्वेश्चन देख करके साफ समझ में आ रहा है कि सोडियम की बात चल रही है। तो भाई सोडियम क्या क्या बनाने में कैपेबल है, सोडियम कैपेबल है ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाने में कैपेबल है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आहा आंसर ए एंड बी है, ऑक्साइड भी बन रहा है और परऑक्साइड भी बन रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ रिएजेंट दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज ओब्लीग।
आर। हाँ भाई, हमें ये देखना है कि कौन सी स्पीशीज हैं जो आपस में रिएक्ट करने पे सॉरी जो आपस में रिएक्ट करने पे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बनाती हैं। तो भाई सोडियम को जब आप अमोनिया में पास कराओगे, ठीक है, सोडियम को जब आप अमोनिया में पास कराओगे तो नो डाउट इन इट वहां पे क्या होगा बेटा, अमोनिनेटेड मेटल और अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो जब अमोनिनेटेड मेटल और अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की अपीयरेंस आने की वजह से नो डाउट इन इट मैग्नेटिक बिहेवियर हम कह सकते हैं, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर, कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तो इसका आंसर ए हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला ए हो सकता है, एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन में एक समस्या है, एक्सेस वर्ड ला दिया है, तो एक्सेस वर्ड होने की वजह से थोड़ा सा इसमें क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और डाउट आ गया था कि इसका आंसर ए कंसीडर करें या ना करें। तो कुछ कहते हैं हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है इसके दो तरह के आंसर आते हैं, एक ऐसा है कि ए है और कुछ ऐसा है जो मानते हैं कि ए नहीं है। क्योंकि जब आप एक्सेस में ले जाते हो चीजों को, किस में ले जाते हो, एक्सेस में, तो वहां पे क्या होता है कि जो ब्लू कलर होता है वो याद करिए ब्रॉन्ज हो जाता है, और जो पैरामैग्नेटिक जो बना था कॉम्बिनेशन वो कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या है ना, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है। वैसे हम मान के चलते हैं कि नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन तो आता है, कुल मिलाकर के ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वहां पे होनी चाहिए। दूसरा, पोटेशियम जब एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, याद करो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बता के चुका हूं, क्या बनाएगा बेटा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है, और क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये सुपर ऑक्साइड बना रहा है। अब आप बोलेंगे क्यों सर, अरे यार जवाब सीधा सा है, लिमिटेड लिखा होता तो हम ऑक्साइड पे रुक जाते, एक्सेस लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि ऑक्साइड भी बना होगा, परऑक्साइड भी बना होगा, और क्या बना होगा, सुपर ऑक्साइड भी बना होगा। अब आप KO2 को अगर तोड़ेंगे तो K+ O2- माइनस, हाँ या ना, और MOT के अकॉर्डिंग जो O2- माइनस होता है वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। इसके बाद बात आती है बेटा किसकी, कॉपर और डाइल्यूट HNO3 की। तो ये रिएक्शन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और अभी भी बता दूं कि डाइल्यूट HNO3 जब कॉपर से रिएक्ट करता है तो साथ में बनाता है मेटल नाइट्रेट, तो बनाता ही है, क्या बनाता है, मेटल नाइट्रेट तो बनाता ही है, यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस, और साथ में बनेगा बेटा क्या, NO, और NO कैसी स्पीशीज होती है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है। रही बात आखिरी वाली रिएक्शन की, तो बेटा वो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में यूज होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में नहीं होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से कितने होने चाहिए, दो, एक तो होना चाहिए ABC और एक होना चाहिए BC। तो ये देख लीजिए यहाँ पे यही हो रहा है, एक तो आंसर ABC दिया हुआ है, दूसरा आंसर क्या दिया हुआ है, B और C दिया है। तो होता क्या बेटा इस क्वेश्चन में, इस तरह की थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है कि यार इसका सही आंसर क्या माना जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके आंसर्स में थोड़ा सा क्या है बेटा, इसके आंसर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए, अगर मुझसे पूछे कि भाई बेस्ट क्या है, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर BC होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कुछ लोग इसका ए ऑप्शन भी कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद व्हाइट फॉस्फोरस इज, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ हम SOCl2 को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो भाई ऐसा है, जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने एक लाइन बोली थी कि भाई PCl3, PCl5, P4O6, P4O10 इनकी प्रिपरेशन को याद करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देख लीजिए वही एक प्रिपरेशन इसमें पूछी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फॉस्फोरस का मतलब है कि P4 की बात हो रही है और ये आपका कौन हो गया बेटा, SOCl2। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो बेटा PCl3 बनेगा, क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, साथ में बनेगा S2Cl2 बनेगा, क्या बनेगा, S2Cl2 बनेगा।
और कुछ हद तक निकल जाएगी क्या बेटा, SO2। रिएक्शन को आप बैलेंस करते रहना। मुझे तो प्रोडक्ट बताना था और प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, PCl3। तो फाइनल आंसर होगा लाला इसका क्या, ए, आंसर इज PCl3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट, चार ऑप्शन दिए हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। HClO4 को बोलते हैं बेटा पर क्लोरिक एसिड, देन दिस इज क्लोरिक एसिड, क्लोरस और हाइपोक्लोरस। ऑक्सी एसिड में मैंने ये सारे नाम पढ़ाए हुए थे। एनीवेज, अब इनके बारे में इसने पूछा है कि बताओ भाई सही स्टेटमेंट क्या है लाइक दैट। तो पहला शुरू करते हैं भाई, जैसे सीएलओ बॉन्ड पूछा है, ठीक है ना। दूसरे में क्या पूछा है भाई, दूसरे में लोन पेयर पूछे हैं, तीसरे में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, चौथे में क्या पूछ लिया, एसिड की स्ट्रेंथ पूछ ली। तो देखो इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वही चीज है। तो यहां पे हम पहले क्या करते हैं बेटा, चारों जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी इन सबके लिखे लेते हैं। HClO, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो ये Cl हो गया, ये O हो गया और ये H हो गया। और यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए बेटा, इस पे 3 लोन पेयर हो गए। आइए दूसरी स्ट्रक्चर बनाने भी ClO2 की। तो ये Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा, OH हो गया और यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए। आइए तीसरा देख ले भाई, तीसरे का क्या है, CLO3 का देख ले। तो CLO3 में क्या है, ये एक लोन पेयर हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये एक और डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका OH हो गया। और आखिरी वाले में देख ले भाई, नंबर 4 में क्या होता है, ये आपका OH हो गया और ये देखिए डबल बॉन्ड O हो गया। अब मेरे सामने चारों स्ट्रक्चर्स हैं और मैं इनको देखता जाऊंगा, झटाझट आंसर बताता जाऊंगा कि यार ये है या नहीं है। तो देखिए पहला देखिएगा, नंबर ऑफ सीएल डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। तो सेकंड में कितने हैं भाई, एक है और थर्ड में कितने हैं, 2 हैं। यानी कि दोनों मिलाकर के कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जबकि यहां पे तो ये क्या बता रहा है कि सेकंड और थर्ड को मिला लूं, किसको मिला लूं, सेकंड और थर्ड, यानी कि HClO2 HClO3। तो अगर सेकंड और थर्ड को मिला लूं तो इसके हिसाब से तो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी कि ये गलत है। तो इसका ए आंसर तो नहीं होगा। आगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। आइए वो भी चेक कर लेते हैं, 2 और 3 में कुल मिलाकर के 3 लोन पेयर होने चाहिए। हाँ साहब, 2 लोन पेयर ये है, 1 लोन पेयर ये है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आगे फोर्थ वाले को देख लो भाई, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 4 सिग्मा है, sp3 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर सी भी होना चाहिए। और अमंग द 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। गलत। एक बात ध्यान रखो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों में अगर कोई है तो वो है नंबर 4। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ध्यान से देखना, इस HClO4 को अगर मैं इस तरह से ब्रेक करूं, CLO4- और H+, तो बेटा CLO4- में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है ना। CLO4- में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, 4। यहाँ पे कितनी होंगी, 3। यहाँ कितनी होगी, 2, और इसमें तो एक भी नहीं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा भी होगा, याद करो, जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा, नो डाउट इन इट, वो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल, और जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उसमें H+ आयन देने का नेचर उतना ज्यादा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 4th नंबर का होगा। तो ये ऑप्शन भी इसका क्या है, गलत, यानी कि इसका आंसर बी एंड सी होना चाहिए। और देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी एंड सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 मोल्स ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मेथेनॉल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो अब जरा ध्यान से देखना भाई,
ये रिएक्शन को मैं देखूं तो ये ऐसे होती है, B2H6 है बेटा, और ये आपके सामने कौन है, मेथेनॉल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेथेनॉल। और ये रिएक्शन के बाद फाइनली क्या बना रहा है बेटा, यहां पे बनकर के तैयार हो रहा है आपका बोरोन OCH3 होल थ्राइस और H2 रिलीज हो रहा है। और फाइनली आप कह सकते हैं कि यहां पे कितने बोरोन बने हैं, दो, और बैलेंस कर रहे हैं हम रिएक्शन को, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है बेटा ये कितने यूज हो रहे हैं, 6, ओके। और फाइनली ये 6 हाइड्रोजन और ये इसके 6 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं यहाँ पे, 3H2 बना रहे हैं। अब आप देखिए एक B2H6 के लिए यहां पर कितना बना बेटा, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। एक B2H6 में यहां पे बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कितने बने हैं, 2 बने हैं। तो अगर मैं 3 मोल्स ऑफ B2H6 ले लूं, यानी कि इसके कितने मोल ले लूं, 3, तो अगर एक के लिए 2 बने हैं तो 3 के लिए कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लीजिए भाई आंसर इज 6, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पी ब्लॉक पढ़ाते समय, ये रिएक्शन मैंने बताई है, ठीक है, करवाई हुई है ये रिएक्शन, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विद P4O10। जब हम HNO3 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा, P4O10 के साथ करा रहे हैं, तो भाई अब हमें यहां पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको लेकर के क्या है बेटा बिल्कुल सही है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब HNO3 P4O10 के साथ रिएक्ट करता है, आई रिपीट, जब HNO3 P4O10 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखना, ये अपना HNO3 है और ये अपना P4O10 है। HNO3 और P4O10, P4O10 आपस में रिएक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, P4O10 एक तरह से देखा जाए तो HNO3 का जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा का सारा वाटर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो HNO3 जो है वो अपनी एनहाइड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसकी एनहाइड्रिक फॉर्म क्या होगी, N2O5। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, तो जो ऑक्सी एसिड जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी एनहाइड्रिक फॉर्म की भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी, यानी कि ये भी कितना है, +5, और ये P4O10 किस में बदल जाएगा बेटा, HPO3 में बदल जाएगा। और ध्यान रखना इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये +5 था, यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, +5 ही रहेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये ध्यान रखिए HNO3 और P4O10 आपस में रिएक्ट करके फाइनली क्या बना रहे हैं बेटा, N2O5 और HPO3 बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों आपस में मिलकर बना क्या रहे हैं, तो भैया ये आपस में मिलकर ये बना रहे हैं। अब आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं, पहला, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ P4 एंड HNO3, गलत, P4 और HNO3 ये प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब आप बोलेंगे P4 और HNO3 क्या बनाते हैं बेटा, P4 HNO3 से रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है, क्या बनाता है, H3PO4। याद करिए सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाते समय मैंने एक QSP बताया था, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करके, आई रिपीट, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करके एक ऑक्सी एसिड बनाते हैं, यानी कि फॉस्फोरस का P4 का एक ऑक्सी एसिड फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी कि H3PO4। तो आपका ये जो P4 है साहब, ये HNO3 से रिएक्ट करेगा और यहां पे बनेगा एक ऑक्सी एसिड, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, डायमैग्नेटिक, हां साहब, N2O5 डायमैग्नेटिक होता है, ये इसका आंसर होना चाहिए। कंटेंट्स वन NN बॉन्ड, गलत, N2O5 की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो IC होती है, कैसी, IC। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं याद, तो अभी उसका भी इलाज बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो NN है,
ठीक है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये NN बॉन्ड ना कहला के NON बॉन्ड कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं है, एक तो पहला सही नहीं है, एक सी भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो भाई पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, मेंस निकल चुका है, एडवांस सामने आ चुका है, तो अब तो आपको इनकी स्ट्रक्चर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और नहीं भी याद है तो याद करो मैंने टेक्निक बताई थी, क्या, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो, याद आया, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो, अगर ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो 2.5 आ रहा है तो लिंकेज होगा XOX, जैसे कि आप मान के चलिए N2O5 को ही ले लीजिए, तो N2O5 में ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है तो लिंकेज क्या है, NON, XOX, अगर यही रेशो 2.5 से कम होता तो लिंकेज होता XX, जैसे कि N2O4 को ले लीजिए, N2O4 क्या होता है बेटा, N2O4 में ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है, रेशो 2.5 से कम आ रहा है, ऑक्सीजन अपॉन सेंट्रल एटम का रेशो 2.5 से कम आ रहा है तो NN लिंकेज आ रहा है, याद करो, और अगर यही 2.5 से ज्यादा होता तो NOON लिंकेज होता, यानी कि परोक्सी लिंकेज होता, क्या होता, परोक्सी लिंकेज। तो ये सारी बातें बताई हुई हैं, तो उस हिसाब से ये भी नहीं है। अब आखिरी बचता क्या है, आखिरी बचता है बेटा हमारा, फाइनली बचता है चौथा ऑप्शन, रिएक्ट विद सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग ब्राउन गैस। जरा ध्यान से सुनना, यहां पे जो प्रोडक्ट बना है N2O5, अब वो कह रहा है इसकी रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम से करा दो, सोडियम से करा दो, तो वहां पे क्या होगा, ब्राउन गैस बनेगी। तो आओ वो भी देख लेते हैं, ये है हमारा सोडियम और ये है हमारा प्रोडक्ट N2O5, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा बनता है यहाँ पे NaNO3 और साथ में बनता है बेटा NO2। हाँ यार बात तो सही है, क्या, ब्राउन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी इसका क्या है, सही है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए बेटा, बी और डी होना चाहिए और वही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, द कंपाउंड विद जनरेट नाइट्रोजन गैस अपॉन थर्मल डीकम्पोजिशन बिलो 300°C, ठीक है ना, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो लैंग्वेज देख के आपको समझ में आ ही रहा है, आइए देखे लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन ले रहा हूं मैं NH4NO3, बोले तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, यानी कि वाटर निकाल दो तो 4 हाइड्रोजन, ज्यादा से ज्यादा 2H2O निकाल सकते हैं, इतनी तो सबको समझ में आ रही होगी, 4 हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा 2H2O निकाल सकते हैं। अब 2H2O निकाल रहे हैं यानी कि 2 ऑक्सीजन गए, यहां पे कितना बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, क्या लिख दो, N2O, ओहो ये तो नाइट्रोजन नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूं तो ये ऑन हीटिंग क्या करेगा, डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, यहां पे बनेगा बेटा N2, साथ में बनेगा H2O और साथ में बनेगा Cr2O3। मेटल्स है ना, तो मेटल्स की एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन मिली नहीं कि मेटल ऑक्साइड बना नहीं, बात समझ में आ रही है, तो ये सब बन करके तैयार हो गया, इसमें N2 बनती है। आगे बेरियम नाइट्राइड की बात करें, ठीक है ना, इसका क्या करें भाई, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें बनेगा, ये बेरियम एजाइड है, सॉरी शायद मैं नाइट्राइड बोल गया था, ये क्या है, बेरियम एजाइड। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि ये ऑन हीटिंग ब्रेक होगा बेरियम में और साथ में देगा N2, तो भैया ये प्योर नाइट्रोजन होती है फॉर योर काइंड फॉर्मेशन। एक तो ये और एक सोडियम सेम रिएक्शन देते हैं इसी तरह से, और याद रखना ये पहले भी, अभी 2018 में भी पूछा जा चुका है, उसके पहले भी पूछा जा चुका है, प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम इन्हीं का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आखिरी में बचता है बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बचता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो होता है Mg3N2, वो इस तरह से रिएक्शन देना पसंद नहीं करता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, इसका बी एंड सी होगा।
ओके तो आप देख लीजिए किन किन में नाइट्रोजन रिएक्शन किन किन में किन किन रिएक्शन में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है आप साफ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज ठीक है ना. CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू एब्जॉर्ब की गई लाइट तो अब एब्जॉर्ब की गई लाइट कौन सी होगी पहले ये तो पता चले कि CuSO4 का कलर कौन सा होगा. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन जो कलर होता है वो होता है ब्लू. तो CuSO4 कैसा होता है बेटा ब्लू. अब क्वेश्चन ये आता है अगर ये ब्लू होता है तो ये एब्जॉर्ब क्या करेगा तो याद करो हम पढ़ते हैं बेटा विबग्योर. क्या पढ़ते हैं विबग्योर. तो विबग्योर में ग्रीन और रेड आप कह सकते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के लिए. ब्लू ऑरेंज और वॉयलेट इंडिगो किसके साथ येलो के साथ करेक्ट. तो बाय द एंड समरी इज दिस मैं कह सकता हूं कि जो ब्लू दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है ब्लू वो ऑरेंज कलर क्या करता होगा एब्जॉर्ब करता होगा. अब मजे की बात यहां पे प्योर ऑरेंज तो है नहीं ठीक है. हाँ ऑरेंज रेड दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ऑरेंज रेड. तो द बेस्ट ऑप्शन इज ए. आइए चेक कर लें और आंसर क्या है बेटा इसका ए. क्लियर है भाई सभी को. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड React with AgNO3 to give precipitate that dissolve in Na2S2O3. हमें क्या करना है यहाँ पे AgNO3 लिख लेना है. ओके यहाँ पे क्या करें ये आपका हो गया HF ये हो गया आपका HCl ये हो गया आपका HBr और ये हो गया आपका HI. बात समझ में आई. अब बात आती है कि इनकी जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए AgF होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए AgCl होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए AgBr होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए AgI होना चाहिए. अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि जब AgNO3 इनके साथ रिएक्ट करता है तो जो पीपीटी देता है जो पीपीटी मिलता है उसमें डिसॉल्व होना चाहिए Na2S2O3 को यानी कि वो पीपीटी डिसॉल्व होना चाहिए किसमें Na2S2O3 में सॉल्युबल होना चाहिए. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन AgF को छोड़ दीजिए बाकी सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं किसमें सोडियम थायोसल्फेट. जी हाँ तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड रिएक्ट विद AgNO3 टू गिव प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन दिस तो बता देना AgCl, AgBr और AgI. ये तीन के तीनों क्या होते हैं बेटा सॉल्युबल होते हैं किसमें थायोसल्फेट में. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन AgF का ऐसा नेचर नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आंसर इज ए सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा ध्यान से देखिएगा ठीक है ना. फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2. चलो मान लिया MnO2 को हम रिएक्ट करा रहे हैं KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2 और W सॉल्ट बनता है ठीक है. आगे पढ़ते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यील्ड अनदर सॉल्ट X. अच्छा यानी कि वो जो W है वो X में बदल जाता है किसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ठीक है. द मैग्नीज कंटेनिंग आयंस Present in W and X. W और X में मैग्नीज कंटेनिंग आयंस हैं जो कौन है Y और Z है. अच्छा ठीक है आगे द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओब्लिक R. क्या होंगे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे तो जरा ध्यान से देखिए. ये है बेटा वो MnO2. जब KOH और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फाइनली बनता है MnO4 2-. कैसे MnO2 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर MnO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा MnO3 में और ये MnO3 KOH से रिएक्ट करके फाइनली बनाता है K2MnO4 करेक्ट. तो ये देख लीजिए K2MnO4 बनके तैयार हो गया. अच्छा आगे इसका जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कराया तो MnO4- कन्वर्ट हो गया यानी कि मैग्नेट आयन पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारा कौन हो गया Z हो गया.
दूसरा MnO42 माइनस जो होता है वो केवल स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ही स्टेबल होता है, उसके अलावा कैसा भी मीडियम ले आओ, न्यूट्रल, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा भी मीडियम ले आओ, हर मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो ये देख लीजिए, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया बेटा MnO4 माइनस और MnO2 में। तो अब हमारे सामने ये सारी इंफॉर्मेशन है। अभी थोड़ी देर पहले याद करो जब मैं आपको बता रहा था कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद करो मैंने आपको एक लाइन बोली थी क्या, कि डी ब्लॉक में जब आप जाते हो तो KMnO4, डाइक्रोमेट और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इनकी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ये देख लो वही रिएक्शन यहाँ पे आई हुई है। तो इसलिए कह रहा हूं मैंने जो सोच समझ के शुरुआत में बोला है उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही वही पढ़ के जाना, काफी हेल्प मिलेगी। ओके, आई मीन रिविजन करके जाना, पढ़ के तो देखो सभी कुछ जाना है लेकिन रिवीजन करके अगर वो जाओगे जो जो मैंने पॉइंट्स बोले तो ज्यादा फायदे में रहोगे। खैर, तो इसके बेसिस पे आइए ऑप्शन चेक कर लें। ये कहता है वाई इज डायमैग्नेटिक इन नेचर व्हाइल जेड इज पैरामैग्नेटिक। तो जरा ध्यान से देखें भाई, वाई कौन है? MnO4 टू माइनस, और जेड कौन है? MnO4 माइनस। तो भैया ये तो डायमैग्नेटिक होता है, ये प्लस 7 ऑक्सीडेशन है, ठीक है, कितनी है बेटा? प्लस 7, और ये कितनी है? प्लस 6। अब ये कह रहा है कि वाई तो क्या है? डायमैग्नेटिक, और जेड क्या है? पैरामैग्नेटिक, यानी कि उल्टा कह रहा है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। आगे, इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन वाई अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव जेड एंड MnO2। आइए चेक कर लें, ये जो वाई है एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है और जेड दे रहा है, जेड कौन था? MnO4 माइनस, हाँ दे रहा है, और साथ में MnO2 बना रहा है, यानी कि कहने का मतलब है बी ऑप्शन इसका क्या है? सही। आइए, वाई एंड जेड आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। जरा आइए देख लेते हैं, वाई ये है, जेड ये है, बिल्कुल सही बात है, दो के दोनों कलर्ड भी है और दो के दोनों टेट्राहेड्रल भी है, sp(d3s) हाइब्रिडाइजेशन इनमें होता है। याद रखना इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा? d3s हाइब्रिडाइजेशन इनमें कंसीडर होता है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये भी सही है भाई, यानी कि ये ऑप्शन भी इसका सही है। अच्छा, y एंड z पाई बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। बिल्कुल सही जवाब, मैग्नी पर मैग्नेट हो चाहे मैग्नेट हो, दोनों के दोनों में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और इसका मैग्नीज का डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर इसका होगा बेटा बी सी एंड डी, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, हाँ, सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड एक्स, बॉइलिंग द सैंपल कन्वर्ट एक्स टू कंपाउंड वाई, हियर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो भैया पहली बात तो मैं बता दूं, हार्डनेस दो टाइप की होती है, अभी बता के चुका हूं कि हार्डनेस भी इंपॉर्टेंट होता है, देख लो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। चलो, दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है बेटा वो बाइकार्बोनेट्स, किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट्स की वजह से ज्यादातर देखने को मिलती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस देखने को मिलती है, और इनको बॉइल करके क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज आंसर इज ए, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, द बेस्ट ऑप्शन कहाँ गया भाई, क्या हो गया दिक्कत? अरे जस्ट अ सेकेंड, द बेस्ट ऑप्शन इज ए। ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, और जब आप इसको बॉइल करते हो तो फाइनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हार्डनेस वाले चैप्टर यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले जो चैप्टर था उसमें मैं बता चुका हूं। तो ये इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए। आइए आगे बढ़ते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है कि भाई इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट अमंग द एलकली मेटल, ये तो बात सही है।
नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेटा, ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन याद करो लिथियम एक्सेप्शनली हाई और सोडियम एक्सेप्शनली लो, याद आया? तो लिथियम एक्सेप्शनली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यार ये तो सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वॉटर एमंग द एल्कली मेटल, ये स्टेटमेंट भी सही है। लिथियम जो है बाकियों के कंपैरिजन में, सोडियम पोटेशियम इन सब के कंपैरिजन में वाटर से रिएक्ट कम करता है, तो ये भी बात सही है। LiNO3 decomposes on heating to give LiNO2 and O2, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि LiNO3 जो होता है बेटा वो ब्रेक होता है Li2O प्लस NO2 प्लस O में, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज गलत है कि वो LiNO2 में ब्रेक होता है, नहीं, वो कैसे ब्रेक होता है, लाइक दिस। तो फाइनल, अच्छा एक और देख लें, LiCl crystallized form aqueous solution as this this this, बात बिल्कुल सही है। पूरे S ब्लॉक में क्या कहते हैं, पूरे फर्स्ट ए ग्रुप में इकलौता मेटल होता है जो इस तरह से हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो फाइनली आंसर इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अगला ऑप्शन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी, द मेटल दैट गिव्स हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। देखो यार, ऐसा मेटल तो वही है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो किसमें होती है बेटा, जिंक में ही होती है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। यहां पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें बेस्ट एग्जांपल कौन होगा बेटा, जिंक, क्योंकि वही एम्फोटेरिक होता है। ओके, और ये उसकी रिएक्शंस हैं, मैंने बाय द वे आपके लिए रख दी हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसका साइज जितना छोटा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, तो भाई सीधी सी बात है, लिथियम का साइज सबसे छोटा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1-3 रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स आर, क्या है भाई? बोरॉन ट्राइऑक्साइड सभी देखे रहते हैं, जैसे बोरॉन है B2O3, Air2O3, Ga2O3 और In2O3 और एक और लिया लेते हैं Tl2O3। वैसे ये Tl2O3 ना होकर के इसको Tl2O कहना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा, B2O3 जो होता है वो एसिडिक होता है, ये दो के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अब आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, हाँ है, ऑक्साइड ऑफ जो है एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक है, हाँ सही है, एम्फोटेरिक, और गैलियम कैसा है वो भी एम्फोटेरिक है, हाँ वो भी सही है, इंडियम और थैलियम जो है वो बेसिक है, हाँ वो भी सही है। तो भैया इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2S6 react with independently with O2 and H2O to produce respectively. B2O3 को जब आप ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? तो भैया B2S6 को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो B2O3 बनेगा, और वाटर से रिएक्ट कराओगे तो बोरिक एसिड बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ओके चलिए, बोरॉन फैमिली में ये रिएक्शन मैंने बताई थी, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो B2O3 बना रहा है, वाटर से रिएक्ट करने पे हाइड्रोलाइज होकर के वो बोरिक एसिड बनाएगा। आगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। देखिए ऊपर से नीचे जाने पे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्लस थ्री की घटती है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे कहां गया प्लस वन है ना, हाँ, तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, प्लस वन की इंक्रीज हो रही है, तो थैलियम की प्लस वन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, देन थैलियम किस किस में दिया हुआ है, इसमें दिया है, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, थैलियम की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्युमिनियम।
तो नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एंड दिस इज ड्यू टू ऑल, आई रिपीट, दिस इज ड्यू टू ऑल इनर्ट पेयर इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 2C2E एंड 3C2E बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा ठीक है ना, बॉन्ड्स छप गया है, दिस इज बॉन्ड्स इन B2S6 रेस्पेक्टिवली आर. देखो भाई, 2C2E का मतलब होता है कि दो एटम के बीच दो इलेक्ट्रॉन, और 3C2E का बीच होता है, 3C2E का मतलब क्या होता है, थ्री सी टू ई का मतलब होता है तीन एटम के बीच दो इलेक्ट्रॉन. तो B2S6 का डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम हो गया साहब ब्रिज बॉन्डिंग, याद करिए मैंने बताया था, और इसी का नाम लिया था मैंने, मैंने कहा था कि भाई इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके लीजिए, अब ये जो है ये 2C2E बॉन्ड हो गए, ये कौन हो गया 2C2E बॉन्ड हो गया, ये कौन हो गया 2C2E बॉन्ड, ये कौन हो गया 2C2E बॉन्ड, और ये कौन हो गया बेटा 3C2E बॉन्ड हो गया. तो बाय द एंड समरी इज दिस, चार तो 2C2E है और दो 3C2E है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ए ऑप्शन हो गया, फोर, आई रिपीट यहां लिखे देता हूं, फोर क्या है 2C2E और दो कौन है बेटा 3C2E. इन 3C2E को हम बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, याद करो इनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं. अगला क्वेश्चन आता है, द CC बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन. देखो यार सीधी सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करो, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ये हो गए BMF, BMF मतलब बक मिस्टर फुलरीन, इनमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन डायमंड की बात करें बेटा तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, एंड व्हेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इट मींस कि इसमें s कैरेक्टर कम है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो नो डाउट इन इट द करेक्ट आंसर इज डायमंड, वेरी सिंपल. तो सबसे ज्यादा CC बॉन्ड लेंथ इसी में होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, तो भाई सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, और फिर टिन का. तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया भाई, नो डाउट इन इट सी हो गया, और ध्यान रखिए पीबी में ये एबिलिटी एब्सेंट होती है, यानी कि कैटिनेशन पावर पीबी शो नहीं करता. ओके नाउ अगला क्वेश्चन, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज इज, कौन सा ऐसा क्लोराइड है इनमें से जो हाइड्रोलाइज नहीं होता, तो आंसर इज CCl4. CCl4 वाटर से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करना पसंद नहीं करता. अब आप बोलेंगे सर क्यों, देखो +4 ऑक्सीडेशन तो है, लेकिन कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां पे ये H+ और ये OH- का OH- इसको अपना लोन पेयर देकर के इस पे अटैक कर सके. तो कार्बन के पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन के साथ साथ कोई वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी था जिसमें OH अपना लोन पेयर देता, लेकिन OH अपना लोन पेयर CCl4 में कार्बन को नहीं दे सकता क्योंकि कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है. तो बाकी तो सब हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, CCl4 नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, C6P एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेंट्स, हाँ भाई C6P है एलोट्रॉप, और इसमें क्या पॉसिबल है, तो देखो यार एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पढ़ा चुका हूं पी ब्लॉक में, और इसमें दो तरह की रिंग होती है, एक पेंटागोनल और एक हेक्सागोनल. एक तो कैसी होती है, पेंटागोनल और एक हेक्सागोनल. ओके लाइक दिस, जस्ट अ सेकंड. ओके पेंटागोनल कितनी होती है बेटा 12, और हेक्सागोनल कितनी होती है 20.
तो 12 और 20, 12 जो रिंग होती है वो फिक्स होती है और ये जो हेक्सागोनल रिंग होती है बेटा ये वेरी करती है, वेरिएबल होती है, किसी बीएमएफ में अलग होती है, किसी में अलग होती है। कैसे काउंट होती है याद करो, मैं बता चुका हूं। कुल मिलाकर के इसका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, 20 हेक्सागोनल रिंग्स होंगी और 12 पेंटागोनल रिंग्स होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या कहते हैं, याद करिए, मैं इसमें हेक्सागोनल रिंग्स को निकालना सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं, एन बाई टू माइनस 10, ये हेक्सागोनल रिंग्स को निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल C60 दिया हुआ है तो n की वैल्यू को आप 60 रख दीजिए, तो 60 डिवाइड बाय 2 यानी कि 30 और 30 माइनस 10 यानी कि 20, तो हेक्सागोनल रिंग्स कितनी हो गई, 20। अब कल को यहां पे 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप बड़े आराम से हेक्सागोनल रिंग्स कैलकुलेट करके बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। The highest possible oxidation state of uranium and plutonium respectively are. तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा F ब्लॉक में अगर by the way मान लो maximum oxidation state की बात की जाए तो वो +7 है, जो कौन शो करता है, NP और PU। I repeat, NP एंड PU कितनी ऑक्सीडेशन शो करते हैं, +7। मगर मजे की बात यह है कि यह अनस्टेबल होती है, क्या होती है, लेकिन उसके बाद बारी आती है किसकी, यूरेनियम की, जो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, +6। और मजे की बात यह क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। तो यहां तो उससे सीधे सीधे पूछा है यूरेनियम और प्लूटोनियम कितना शो करते हैं, तो भाई आंसर हो गया +6 और +7। लेकिन इसी क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता था, कैसे, एफ ब्लॉक की मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो +6 बोलना है। अगर वो बोले एस, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं दोबारा बोलता हूं, एफ ब्लॉक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आई रिपीट, एफ ब्लॉक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप बता सकते हैं +7। वो बोले एफ ब्लॉक की मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप बता सकते हैं +6। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट यूजली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, स्कैंडियम। ठीक है, दिखने में तो सीधा है लेकिन कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो मैंने कहा बता दूं। स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जो केवल और केवल +3 शो करता है, इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये थे बेटा आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब तो टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है बेटा एडवांस का, ठीक है, तो तैयारियों में बढ़िया से जुटे रहिए, अच्छे से कूल माइंड होकर के। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, थैंक यू बेटा।